सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके गूगल क्रोम यूजर में फेसबुक डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस को कैसे इनेबल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, अगर आपका फेसबुक आपने लॉग आउट भी किया है तो आप जो भी आपके फेसबुक के नोटिफिकेशंस है आपको आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पे आपको शो करेंगे, तो इस फीचर को कैसे इनेबल करते हैं इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन या फिर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको फेसबुक का इनबिल्ट फीचर जो है बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जस्ट आप अपनी फेसबुक आईडी जो है लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप अपने फेसबुक की सेटिंग्स को ओपन कीजिए। ऐसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशंस, तो जस्ट उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप एंड मोबाइल, तो जस्ट एडिट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टर्न ऑन, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं सी योर नोटिफिकेशन इन दी कॉर्नर ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन इवन व्हेन फेसबुक इज क्लोज, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप अपनी फेसबुक आईडी भी क्लोज करेंगे तो आपके जो भी फेसबुक के नोटिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पे शो करेंगे। तो अगर आपको टर्न ऑन करना है, इनेबल करना है, तो जस्ट टर्न ऑन पे क्लिक कीजिए, वो इनेबल हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं इस वीडियो में दोस्तों बताने के लिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं हिंदी में, सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं इसी तरह कमाल की वीडियोज़ में। थैंक यू।